हाय देयर। अब हम इस वीडियो में अब हम एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के एग्जांपल से मैं आपको स्क्रैपिंग बताऊंगा, स्पाइडर को कैसे यूज करते हैं, स्पाइडर को कैसे यूज करते हैं और हम कैसे सभी चीजों का यूज करेंगे। अब हम मैं इस एक वेबसाइट है वर्डोमीटर डॉट इन्फो, इसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो टैब है, कोरोना वायरस और पॉपुलेशन। कोरोना वायरस बढ़ेगा तो पॉपुलेशन घटेगा, इसलिए मुझे कोरोना वायरस में इंटरेस्ट है, पॉपुलेशन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको, अगर मैं इस वेबसाइट को स्क्रैप करने वाला हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ। प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लूँगा। तो सीडी, सबसे पहले मैं एफ डायरेक्टरी में जाता हूँ, ठीक। चलिए कोई नहीं, हाँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार मैं 208, देखिए अब हमको क्या करना है कि यही वेबसाइट को स्क्रैप करना है। वेबसाइट का नाम है वर्डोमीटर डॉट इन्फो और जो पेज हम स्क्रैप करने वाले हैं वो खासकर कोरोना वायरस वाला पेज है। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि इस पूरी कंट्री को, इसमें कितने डेथ्स हैं, कितने सभी केसेस हैं, वो सब हम स्क्रैप करेंगे, ठीक है। पूरा ये वीडियो आज इसी पे होगा। अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेना है, चाहे ये वाला आप कमांड खोल लो। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक फोल्डर बनाना है या फिर आपको कहीं भी आप प्रोजेक्ट बना लो। प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्रैपी स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नहीं होगा ये, प्रोजेक्ट होगा ध्यान रखना। और हम मान लो वर्डोमीटर को बनाने वाले हैं तो वर्डोमीटर में एंटर करूंगा, तो इसमें एरर आ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो ये प्रोजेक्ट बन चुका है ऑलरेडी। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि स्क्रैपी स्टार्ट प्रोजेक्ट वर्डोमीटर टू, चलिए वर्डोमीटर टू नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो वर्डोमीटर टू नाम से जो प्रोजेक्ट बना है, इस प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा, ठीक है। जरूर इस फोल्डर में आपको जाना पड़ेगा। तो जाने के लिए मैं सीडी वर्डो मीटर टू एंटर कर दूंगा, तो फोल्डर के अंदर चला गया। अब हमको यहाँ पे स्पाइडर को जनरेट करना है, तो स्पाइडर को जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रैपी जेन स्पाइडर, स्पाइडर का नाम कुछ भी दे लो, मैं देता हूँ कोरोना वायरस। अब कोई भी यूआरएल भी आपको दे दो, साथ में यूआरएल देना जरूरी है, तो मैं यही यूआरएल दे देता हूँ, कुछ भी आप यूआरएल दे दो, डजेंट मैटर, ठीक। अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपको कुछ लिखा आएगा, क्रिएटेड स्पाइडर, कोरोना वायरस नाम से स्पाइडर बन चुका है यूजिंग बेसिक टेम्पलेट, और यहाँ पे कुछ लोकेशन दी हुई है उसकी, आपका स्पाइडर कहाँ है ये उसका लोकेशन है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक बार वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए मैं अपने सी में जाता हूँ, फिर यूजर्स में जाता हूँ। यूजर्स में आप देखोगे कि वर्डोमीटर टू नाम से यहाँ पे बना हुआ है, इसमें आप देखोगे कि स्पाइडर में कोरोना वायरस के नाम से ये स्पाइडर बना हुआ है, और हमने यहाँ पे जो लिंक दी थी वो ही लिंक यहाँ पे है, ठीक। अब हमको क्या करना है, अपना विजुअल स्टूडियो खोल लेना है, वीएस खोल लेना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, फिर ओपन फोल्डर करना है। अब आपको क्या करना है कि वही जो प्रोजेक्ट आपने बनाया था, अब आपको वही सेलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट नेम था वर्डोमीटर टू, तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो वर्डोमीटर टू यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं उसको बस सेलेक्ट कर लेता हूँ फोल्डर को, ठीक। अब जैसे ही फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ढेर सारे
डॉट पी वाई फाइल, पाइथन फाइल खुल चुकी है। अब यहाँ पे आपको करना है स्पाइडर पे क्लिक करना है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कोरोना वायरस डॉट पी वाई आपको फोल्डर मिल जाएगा। ठीक, अब आपको इसी पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे आप देखो, इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो कि ये है स्पाइडर नेम, ये है अलाउड डोमेन। अलाउड डोमेन का क्या मतलब होता है? अलाउड डोमेन का मतलब होता है कि हम पूरे स्क्रैपिंग के दौरान जिस डोमेन के अंदर स्क्रैप करना चाहते हैं वो यहाँ पे डोमेन होगा। कभी कभी क्या होता है कि पेज रिडायरेक्ट हो जाता है, और उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे डोमेन डिफाइन करते हैं। एक्चुअली आप देखोगे कि ये एक लिस्ट है, यहाँ पे देखो ये एक लिस्ट है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि दो तीन डोमेन हम आप इसमें कॉमा लगा के दे सकते हैं, www.abc.com या फिर कोई बहुत सारे डोमेन दे सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमने डिसाइड किया है कि इस वेबसाइट की स्क्रैपिंग करेंगे, तो इस वेबसाइट की स्क्रैपिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ लिंक है, यहाँ से इसी लिंक को आपको कॉपी करना है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी मैंने कॉपी किया, आपको यहाँ पे स्टार्ट यूआरएल में पेस्ट कर देना है, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपको इसमें डोमेन लिखना है, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जहां से www स्टार्ट है वहीं से आपको लिखना है डोमेन। ठीक, यहाँ पे मैंने डोमेन लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट यूआरएल लिख दिया। ध्यान रहे कि यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश आप हटा दो, क्योंकि वो जैसे ही रिक्वेस्ट स्पाइडर हमारा भेजता है तो वो ऐड कर देता है, तो हम हटा देते हैं क्योंकि दो हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश ना हो जाए। अब हम यहाँ पे आते हैं इस पेज पे। अब इस पेज पे आने के बाद अब हमको क्या करना है, इस पेज को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, इतना। अब आप देखोगे कि यहाँ पे कंट्री के बहुत सारे नेम हैं, टोटल कंट्री के मैंने नेम गिने थे, 420 कंट्रीज हैं, ठीक है, टोटल 420 कंट्रीज हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आए करना है, या फिर आपको ये वाला इंस्पेक्ट मेथड यूज करना है, यहाँ पे क्लिक आप कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने बताया था, अब ये एलिमेंट होता है, ठीक, यहाँ पे एक बार जान लें, ये है होता है डिवाइस टूल बार, यहाँ पे आप टैबलेट मोबाइल वर्जन और यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी आपको अगर इंस्टाग्राम, अगर आपको डेस्कटॉप पे यूज करना हो ना, तो आप इंस्टाग्राम, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम अगर आप डेस्कटॉप वर्जन खोलोगे तो उसमें चैटिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम खोलना है, फिर ये डेस्कटॉप वर्जन पे करना है, फिर रिलोड कर देना है, तो आपको जो मोबाइल पे जैसे इंस्टाग्राम आता है सेम आपके डेस्कटॉप पे आएगा, तो आप चैटिंग भी कर सकते हो, ठीक, आपको बस यही करना होता है। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने बता दिया, शायद आपको पता हो। अब आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट मेथड से आपको इस पे क्लिक करना है, किसी भी कंट्री पे आपको बस होवर करना है, ठीक है, मैं इस कंट्री पे यूएसए मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो आप देखोगे कि यूएसए हमारा टीडी स्टाइल एक है, टीडी स्टाइल के अंदर ई टैग है, ई टैग के अंदर क्लास एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट में फिर हमारा एचआरएफ मतलब लिंक है, फिर लिंक पे हमारी एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि है यूएसए। अगर मैं इस लिंक को मान लो मैं ओपन करता हूँ न्यू टैब में, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कोरोना वायरस केसेस हैं, डेथ्स हैं, रिकवर्ड हैं, ठीक। तो हम ये करेंगे कि सबसे पहले लूप चलाएंगे, कंट्री नेम एक्सट्रैक्ट करेंगे, कंट्री के लिंक एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर हम लिंक को ओपन करेंगे और सभी कंट्रीज में जो कि डेथ हैं, ये जितने डेथ हैं, जो रिकवर्ड हैं, और ये सब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक। इसके दो पार्ट होंगे, पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सट्रैक्ट कैसे डेटा करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि हमको कंट्री के नेम एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है, कंट्रोल एस हम करेंगे। अब आप यहीं पे आप एक चीज नोटिस कर लो कि ये कंट्री का जो ये टैग है ये आता है टीडी के अंदर, ठीक, टीडी के अंदर आता है। तो हमको क्या करना है, और टीडी किसके अंदर आता है, आप देखो टीडी आता है टीआर के अंदर, फिर टीआर आता है यहाँ पे बॉडी के अंदर, ठीक, कुछ इस तरीके से आप बस नोटिस करते जाओ। ये है बॉडी के अंदर आता है टीआर,
टी आर के अंदर आता है टी डी, टी डी के अंदर आता है ए, ठीक। हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले टी बॉडी सेलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद हम टी आर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। टी बॉडी मैंने सेलेक्ट किया तो उसके अंदर देखो हमारे पास 6 टी बॉडी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जब भी हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये डबल आप फॉरवर्ड स्लैश लगा लेना। टी बॉडी हमारे पास 6 हुए हैं, ठीक। अब उसको स्पेसिफिक करना हो तो हमने टी आर सेलेक्ट किया, टी बॉडी के अंदर टी आर कितने हैं, आप देखोगे टी आर 456 टी आर हैं, ठीक है। पहला टी आर ये है, तो दूसरा टी आर आप देखोगे कि ये है, तीसरे टी आर ये है, जितने टी आर टैग्स हैं सब 456 हैं। अब हमको मान लो कि कोई भी टी आर सेलेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं कि या तो इंडेक्सिंग कर लें, ठीक। अब वैसे अगर आप ये टी आर देखो, देखो बहुत सारे टी आर हैं 456, अगर मैं लास्ट टी आर सेलेक्ट करूँ तो लास्ट टी आर ये है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है कि हमारा जो कंट्री है, जो हमारा यूएसए था, वो हमारा टी डी के अंदर है, फिर टी आर ढेर सारा है, तो हम ट्राई करेंगे कि एक बार टी आर नहीं हम टी डी सेट करें, या फिर टी आर से फिर टी डी जाएँ, टी बॉडी नहीं। तो हम क्या करते हैं एक बार टी आर टी डी, तो अब देखोगे कि ढेर सारे यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पे 5928, ये क्या दिखाता है, ये ढेर सारे नंबर्स हैं, देख सकते हो आप जितने डेथ हैं रिकवर्स हैं वो ढेर सारे नंबर हैं। तो हम किस चीज़ में इंटरेस्ट हैं, हम केवल इंटरेस्ट हैं कंट्री में, कंट्री के नेम में और यूआरएल में, ठीक। तो फिर हम क्या करेंगे, कंट्री के नेम और कंट्री को यूआरएल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्री के नेम और यूआरएल को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये टी डी में जाएंगे, ठीक। टी डी के अंदर ए है तो पहले हम टी डी सेलेक्ट करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ टी डी, अब देखो टी डी 5928 है, टी डी के अंदर हम ए सेलेक्ट किया तो ए 420 है, ठीक। 420 ए है, पहला यूएसए है और लास्ट आप देखोगे तो यमन है, यमन, यमन हातिम राजा कुछ भी, यमन हातिम कुछ याद आ रहा यमन का राजकुमार हातिम, छोड़िए उसे। अब यहाँ पे देखते हैं कि 420 जो है लास्ट है वो यमन है और पहला है यूएसए है, ठीक। अब मान लो कि हमको एक सिलेक्ट करना है, एक सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं कि इसको टोटल एक्सपर्ट को पैरेंथेसिस में करते हैं, फिर यहाँ पे करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसमें इंडेक्सिंग कर देते हैं 1 से। अब देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो केवल एक ही सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आप देखो कि केवल 1 सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि बस इसी को अगर हम कॉपी कर लें अब इसी को क्या करते हैं, अगर मान लो कि मैंने बताया था कि अगर मुझे टेक्स्ट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं टी ई एक्स टी लिखते हैं, तो हमारा कुछ इस तरीके से टेक्स्ट आ जाता है। टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, यूएसए है, ठीक। और लिंक ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अगर मान लो मुझे लिंक निकालना होता है तो मैं एच आर एफ करता हूँ तो ये लिंक आ जाती है। लिंक ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो यहाँ पे लिखा है वो, ठीक। अब मान लो हमको लिंक और टेक्स्ट दोनों करना है, आउटपुट निकालना है, तो हम क्या करना है, इसको सिंपली कॉपी करते हैं। अब हम अपने वी एस कोड में आते हैं, वी एस कोड में अब थोड़ा सा मैं और बता दूं, यहाँ पे देखो ये फंक्शन, इसमें दो टाइप के आर्गुमेंट हैं, एक सेल्फ है एक रिस्पॉन्स है, ठीक। रिस्पॉन्स के लिए हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये फंक्शन जब कॉल होगा ये किसी भी, ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा और ये फंक्शन अपने खुद के लिए कॉल होगा, ठीक। अगर मान लो कि हमको इसको रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करना है, अब ये स्टार्ट यूआरएल में जैसे ही हमने कोई लिंक दी, अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये जो स्टार्ट यूआरएल है ये क्या करता है, सर्वर को इस पेज के लिए एक रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक।
ये हमारा सर्वर है। यहाँ पे अगर मान लो कि ये इस सर्वर पे इस पेज के लिए हम स्टार्ट यूआरएल पे मैंने कोई लिंक रखी है तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर से हमारे पास आता है एक रिस्पॉन्स। ठीक, जो हमारे पास सर्वर से रिस्पॉन्स आता है, सर्वर से रिस्पॉन्स क्या आएगा, एचटीएमएल बॉडी आएगी इस लिंक की। तो उस रिस्पॉन्स के लिए, उस रिस्पॉन्स पे हमने ये फंक्शन जो है, ये डेफ पार्स वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है वो हमने कॉल करना है। ठीक, सिंपल। ठीक, अब हमको क्या करना है कि ये पास हटा देना है। आई होप कि थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब हमको क्या करना है कि रिस्पॉन्स पे हमको कॉल करना है, रिस्पॉन्स पे हमको एक्सपाथ लगाना है। रिस्पॉन्स मतलब होता है एचटीएमएल की बॉडी, एचटीएमएल की बॉडी। अब हमको इसमें क्या करना है कि सबसे पहले डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, फिर उसके अंदर हमने जो एक्सपाथ वहां पे बनाया था उसको बस कॉपी कर देना है। ठीक, इससे क्या होगा, क्या होगा, इससे इससे हमारा लिंक एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। बट हमको यहाँ पे गेट वन यूज करना पड़ेगा, गेट मेथड। गेट मेथड से क्या होता है कि वो जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है वो यहाँ पे असाइन होगा किसी भी वेरिएबल में। अब मान लो मैं वेरिएबल में यहाँ पे देता हूँ लिंक। ठीक, कुछ उसी तरीके से मैं एक और बनाता हूँ जिसका नाम होगा मान लो नेम। ठीक, नेम इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट एक्सपाथ। यहाँ पे मैं, मुझे टेक्स्ट निकालना था, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूंगा। टेक्स्ट में क्या आएगा, यूएसए आएगा। मैं एक बार यहाँ पे भी आपको कंफर्म कर दूं, यहाँ पे अगर मैंने टी ई एक्स टी लिखा तो आप देखोगे कि यहाँ पे टेक्स्ट में यूएसए है तो वो टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे मैं डॉट गेट यूज करूँगा। फिर आपको क्या करना है कि देखो, इस फंक्शन में मैंने लिंक और नेम डिफाइन किया है तो उसी फंक्शन के अंदर हमें इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं कि यील्ड, जब दो या तीन चीज़ें हमें प्रिंट करानी हो, कोई डिक्शनरी प्रिंट करानी हो, तो हम क्या करते हैं, यील्ड यूज करते हैं। ठीक है, हम यील्ड यूज करें, YIELD यील्ड। और ये हम होता है हमारा एक डिक्शनरी, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होते हैं। तो हमने पहला की दिया है कंट्री, कंट्री नेम, कंट्री नेम में मुझे नेम देना होगा कॉमा, कंट्री लिंक, कंट्री लिंक में मैंने दिया है यहाँ की लिंक। ठीक, अब इसको सेव कर लेना है, सेव कर लेना है। अब इसको रन कराने के लिए हम टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल पे हमें क्या लिखना होता है, SCRA स्क्रैपी क्रॉल कोरोना वायरस, एंटर कर देना है। इसका मतलब है कि पाइपलाइन ओपन हुई। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, वो हमारी डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। कंट्री नेम आया है यूएसए एंड कंट्री लिंक आया है हमारा कंट्री यूएस। ठीक, अभी मान लो कि हमें पूरी कंट्री सिलेक्ट करनी है। ठीक, पूरी कंट्री सिलेक्ट करने के लिए अब हम वापस आते हैं। ठीक, पूरी कंट्री सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कुछ टैग डाला था TD, फिर फोर्ड स्लैश, फिर A टैग मैंने दिया था। तो यहाँ पे देखो, USA से स्टार्ट होता है ये और ये यमन पे जाके रुकता है। अब यहाँ पे पहला देखो USA है और ये लास्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लास्ट है यमन। तो हमने क्या करना है कि पूरी लूप को, ठीक, हमने क्या करना है कि इसी 420 को हमको लूप के अंदर चलाना है, मतलब इसी 420 पे हमें लूप चला देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे वापस, इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर CONUT कंट्री इन रेंज, यहाँ पे क्या करना होगा, रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स मतलब एचटीएमएल पेज होता है, रिस्पॉन्स डॉट एक्सपाथ।
इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे वो 420 बार चलेगा, और यहाँ पे कंट्री के लिए चलेगा। कंट्री का मतलब है ये 420 बार चलेगा और 420 बार डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए सिलेक्ट होगा। डिफरेंट कंट्री 420 बार 420 कंट्री सिलेक्ट होंगी और 420 लिंक सिलेक्ट होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि अब इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाना है, ठीक है। हाय यू गाइस, आई होप कि अभी तक जितना बताया है वहाँ तक समझ में आ चुका होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ये वीडियोस हैं आप उनको फुल क्वालिटी में करके, फुल रेजोल्यूशन में करके देखें, जिससे कि सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो। और मैं सारे वीडियोस 1080p पे अपलोड करता हूँ, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे वीडियोस आप फुल क्वालिटी में करके देखें। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था कि फॉर कंट्री TD A पे क्या होता है, ये 420 बार चलता है, जैसा कि यहाँ पे है, ये 420 बार। और 420 बार डिफरेंट डिफरेंट कंट्री सेलेक्ट होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे पहले USA, फिर स्पेन, फिर इटली, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर UK, फिर टर्की, फिर ईरान। तो कुछ इस तरीके से हमारी कंट्री सेलेक्ट होती है। तो अब हमने क्या करना है, विजुअल स्टूडियो पे आना है, इसके अंदर अब हमको एक वेरिएबल बनाना होगा और इस पे हम यूज़ करेंगे कंट्री के ऊपर। कैसे? अब जैसे हमने क्या करना था कि हमने TDA सेलेक्ट करा था, फिर यहाँ पे मान लो हमको कुछ सेलेक्ट करना था, पहला सेलेक्ट करना था, दूसरा सेलेक्ट करना था, तो हम इंडेक्सिंग करके मैंने दिखाया था। और वैसे भी आप यकीन मानिए, जैसे मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ 420 बार चलेगा, ठीक है, ये चीज़ 420 बार चलेगा। और गेट मेथड जो है, यहाँ पे मैंने बताया था, जैसे अगर मैं थोड़ा सा पीछे आपको दिखाऊं, ये जो गेट मेथड है, इसका मतलब है, गेट मेथड मतलब केवल एक आइटम ये आपको रिटर्न करेगा। अगर बहुत ढेर सारे TD या बहुत ढेर सारे ऑब्जेक्ट भी होंगे तो गेट मेथड क्या करता है, एक ही आपको रिटर्न कर देगा, जैसा कि दिखाता हूँ। रुक जाओ, मैं मान लो इसको हटा दिया मैं, और इसको भी मान लो मैंने कमेंट आउट किया, इसको मैंने कमेंट आउट नहीं किया, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया और इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ कि लिंक को, मान लो कि मैं, मुझे लिंक नहीं प्रिंट कराना, तो मैंने लिंक को हटा दिया, ठीक, लिंक को मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे मैंने नेम को, मुझे यहाँ पे देखना है कितने नेम होंगे, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसकी इंडेक्सिंग मैं हटा देता हूँ, इंडेक्सिंग मैंने हटा दिया। इसका मतलब क्या है, TDA टेक्स्ट। अब देखोगे कि यहाँ पे 420 तो सेलेक्ट हो जाने चाहिए, 420 सेलेक्ट हो जाना चाहिए, 420 टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि मैंने TDA फिर टेक्स्ट यूज किया, तो 420 सेलेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हम गेट मेथड यूज करेंगे तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है, दिखाता हूँ। स्क्रैपी क्रॉल कोरोना वायरस, अब आप देखोगे कि एक ही सिलेक्ट हुआ है, एक ही सिलेक्ट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि गेट मेथड हमको केवल एक गेट मेथड या एक्सट्रैक्ट वन सेम चीज है, ठीक। कभी कभी स्क्रैपी में हम एक्सट्रैक्ट वन या फिर ये सब यूज करते हैं, तो भी वो एक्सट्रैक्ट वन या गेट वन एक ही चीज है। गेट मेथड हमेशा एक चीज रिटर्न करता है, बहुत ढेर सारे चीज में 420 आइटम है, तो गेट मेथड अगर हमने यूज किया तो वो एक चीज सेलेक्ट करके दे देगा, ठीक है। अब मान लो हमको लूप यहाँ पे लगाना, हमने यहाँ पे देखिए कोई गेट मेथड यूज नहीं किया, मतलब ये 420 बार ये लूप चलेगा, 420 बार। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे मान लो कि मुझे 420 बार कोई लिंक पेस्ट कराना, कोई लिंक मुझे लगानी है, तो मैं सब सारी चीज़ को एक बार हटा देता हूँ, शुरू से बताता हूँ लिंक के अंदर क्या करेंगे। मैं यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ। अब देखो ये चीज़ें क्या होगी, ये 420 बार चलेंगी,
420 कंट्री सिलेक्ट होगी। अब हमको क्या करना है, कंट्रीज के नेम सिलेक्ट करने हैं और लिंक सिलेक्ट करनी है। तो आप यहाँ पे देखो कि 420 बार हमने किया। अब कंट्री के एक एक नेम सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम इक्वल टू, यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करेंगे। क्यों कंट्री सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कंट्री के लिए चलेगा, तो कंट्री हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कंट्री में एक्चुअली क्या होगा, जो कंट्री ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर हमारा ये चीजें होंगी, कंट्री ऑब्जेक्ट में हमारा ये चीज होगा, ठीक। दूसरे कंट्री ऑब्जेक्ट के लिए ये स्पेन के लिए दूसरे कंट्री ऑब्जेक्ट के लिए चलेगा, तो एक कंट्री ऑब्जेक्ट के लिए ये चीजें होंगी। तो हमको कंट्री ऑब्जेक्ट में क्या सिलेक्ट करना है, कंट्री ऑब्जेक्ट में हमको एक्सपाथ से सिलेक्ट करना है, तो एक्सपाथ हमने दिया, ठीक। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, जब भी हम किसी भी लूप के अंदर हम एक्सपाथ देंगे, या फिर कभी कभी हमको क्या सेम चीज को ओपन करने के लिए जब हमें दो बार एक्सपाथ देना पड़े, समझो, या फिर हमको फॉर लूप के अंदर एक्सपाथ देना पड़े, तो हम एक पीरियड लगाएंगे जिसको हम डॉट बोलते हैं। पीरियड लगाने के बाद डबल स्लैश, फिर मान लो अगर हमको टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट हमने यूज किया। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे अगर टेक्स्ट यूज किया तो यहाँ पे मुझे यूएसए मिलने वाला है। हमने टेक्स्ट यूज किया, फिर डॉट गेट मेथड यूज कर दिया, और मैंने यहाँ पे लिंक किया, लिंक कंट्री डॉट एक्स पाथ। फिर मुझे यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, यहाँ पे एट द रेट एच आर एफ, ठीक। फिर यहाँ पे भी हमें गेट यूज करना पड़ेगा, ठीक। अब हमको पूरे कंट्रीज को सिलेक्ट करना है, तो हम इसमें यील्ड फंक्शन फॉर लूप के अंदर लगाएंगे, हाँ। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि अब हमको कोई भी चीज़ें प्रिंट करानी है, कोई डिक्शनरी प्रिंट करानी है, तो हम यील्ड का यूज करते हैं। यील्ड के अंदर हम मान लो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं बोलूँगा कंट्री नेम, फिर मैं इसको बोलूँगा कंट्री country कंट्री लिंक, ठीक। अब हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन कराएंगे, और हाँ सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे रेंज नहीं होगा, रेंज अगर करूँगा तो 0 to 419 तक सिलेक्ट होगा, बट हमको नंबर नहीं सिलेक्ट करना है, हमको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो हम फॉर कंट्रीज इन रिस्पॉन्स डॉट की यूज करेंगे, समझ में आया, ये करेंगे। अब हमको इसको सेव कर लेना है, फिर हम इसको रन कराएंगे। रन करने के लिए वही करते हैं, स्क्रैपी क्रॉल कोरोना वायरस एंटर। अब आप देख सकते हो कि इसको अगर रोकना है तो अब हाँ अब देखो कंट्री नेम गाम्बिया कंट्री लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, और बहुत सबसे ऊपर आऊँ मैं यहाँ पे आप देख सकते हो यूएसए है, कंट्री लिंक है, कंट्री नेम यूएसए है, कंट्री लिंक कंट्री यूएस है, फिर उसके बाद इटली है, फिर फ्रांस है, फिर जर्मनी है, फिर यूके है, टर्की है, ईरान है, रसिया है, ब्राज़ील है, सभी चीज़ें हैं, ठीक। हम क्या चाहते हैं कि अगर मान लो, ठीक, ये अगर मान लो आपको यही आउटपुट आपको सीएसवी में चाहिए, तो आपको क्या करना होता है वो मैं बता रहा हूँ। कंट्रोल टैब आपको क्या करना होगा, स्क्रैपी क्रॉल कोरोना वायरस, आपको आउटपुट, ये आउटपुट फ्लैग है, फिर आपको कोई भी फाइल नेम देनी है, फाइल नेम मैंने दे दिया डेटा डॉट सीएसवी, एंटर किया, ठीक। अब आप देखोगे कि यहाँ पे डेटा डॉट सी एस वी बन चुका है, अब सेम आउटपुट आपको फाइल में मिलेगा, और उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल दो बार सी आप दबा दोगे तो ये बंद हो जाएगा, दबा देना है आपको कंट्रोल और दो बार सी आप देखोगे तो ये चीज़ रुक जाती है। अब आप डेटा डॉट सी एस वी देखो, तो आप देखो सभी कंट्री के नेम और कंट्री के लिंक यहाँ पे आपको
मिल जाएंगे, देख सकते हो 421 कंट्रीज हैं हमारे पास। ठीक, और दूसरा फॉर्मेट है, एक मैं बताऊं, एक फॉर्मेट और है, वो है जेसन फॉर्मेट। जेसन में कैसे करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे आना है टर्मिनल पे, टर्मिनल पे हमको लिखना होता है स्क्रैपी स्क्रैपी क्रॉल क्रॉल कोरोना वायरस, फिर आउटपुट फ्लैग, फिर डेटा डॉट जेसन, एंटर। अब आप देखोगे कि यहाँ पे डेटा डॉट जेसन भी बन चुका है। आप डेटा डॉट जेसन में देखोगे तो आपको सारे आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे पूरी कंट्री नेम और उनके लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, कोई भी चीज़ सर्च करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। और अगर आपको फॉर्मेट करना है इसको, आपको और अच्छा ब्यूटीफाई करना है, तो आप कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एफ से आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। अब